जनरल मैनेजर राजू मसने ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर 9 फरवरी को उज्जैन में वॉकेथॉन इवेंट आयोजन होने जा रहा है, जिसमें उज्जैन शहर के लगभग 1200 से अधिक लोग ईंधन बचाने को लेकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे। साथ ही संदेश के साथ 6.2 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करेंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज से पैदल यात्रा निकाली जाएगी। यह पैदल यात्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज से देवास रोड लोटस शोरूम से कलेक्टर बंगले होते हुए वापस पॉलिटेक्निक कॉलेज में समाप्त होगी। इसके लिए सुबह 7 बजे से ही पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा। अभी तक 800 लोगों ने इसके लिए पंजीकरण करा लिया है। सक्षम के माध्यम से जनता को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। मसने ने आगे बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी PCRA भारत सरकार के तेल एवं गैस कंपनियों के सहयोग से सक्षम अर्थात संरक्षण क्षमता महोत्सव 2020 का आयोजन देश के विभिन्न भागों में 16 जनवरी से 15 फरवरी तक किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है, साथ ही साथ देश के तेल आयात की निर्भरता को कम करना है। इस वर्ष सक्षम 2020 की टैगलाइन है, ईंधन अधिक न खपाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। सक्षम 2020 के अंतर्गत 9 फरवरी को देश के करीब 624 शहरों में एक साथ सक्षम फिट इंडिया वॉकेथॉन के रूप में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस बार इसमें फिट इंडिया जोड़ा गया है, क्योंकि फिट इंडिया ही सक्षम इंडिया बन सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण के साथ साथ स्वास्थ्य संरक्षण भी अति आवश्यक है। आज के इस दौर में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण उतना ही आवश्यक है जितना देश का संपूर्ण विकास। हमें इन दोनों के मध्य जरूरी संतुलन बनाना चलना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से हम भविष्य में ऊर्जा बना सकेंगे एवं वांछित विकास लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। अतः आइए हम इसमें अपना यथासंभव योगदान दें तथा हम एक नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हो। पत्रकार वार्ता में बीके अग्रवाल विष्णु सेनापति भी उपस्थित थे। हम लोग दुनिया के लार्जेस्ट वर्ल्ड में पैसा ड्रेन होता है, तो इसकी वजह से लोटस मिला है वहाँ से तरन तरन होते हुए कोटी वापस पॉलिटेक्निक 50 किलोमीटर का।